नेता तो दावे अपनी अपनी तरफ के करेंगे गर्मी शांत करने की, लेकिन ये लोग आपके साथ जो मौजूद हैं, जरा इनसे पूछिए ना, 10 मार्च के बाद किसकी गर्मी शांत होने वाली है? बिल्कुल, और कैराना की गर्मी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। मैं इस समय हूँ अलीगढ़ में। अलीगढ़ की खासियत, 7 सीटें सातों बीजेपी के पास, लेकिन ये गर्मी शांत करने वाली बात की क्या जरूरत है कहने की, क्योंकि 53% लोग कह रहे हैं ये कमेंट गलत है। 2017 से पहले मुजफ्फरनगर वास्तव में ही गोलियों की तड़तड़ाहट से गर्म होता था, तो योगी जी ने ठीक कहा है कि वास्तव में ही गर्मी शांत होने की आवश्यकता है। 2017 के बाद गर्मी शांत हुई है। आज मुजफ्फरनगर गन्ने की मिठास से, आज मुजफ्फरनगर व्यापार के तमगे से, सहमत हैं आप इस बात? कतई सहमत नहीं है। ये भाषा लोकतंत्र में राजनीतिक जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, प्रमुख पद पर बैठा हुआ है, उसको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बुलडोजर और गर्मी शांत करनी है तो बलात्कारियों की गर्मी शांत कीजिए। नासिर हसन का इलाका है कैराना, क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तो वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कहा गया गर्मी अभी शांत नहीं। देखिए, इस समय उनका अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अब उन्हें कैसे समझाएं कि किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? इस समय वो राजा हैं, उन्हें जनता हित की बात करनी चाहिए, जनता के विकास की बात करनी चाहिए। गर्मी शांत और ये चीजें भड़काने वाली बात है। हमारी सरकार केवल विकास पर बात करती आई है, ना कि किसी गर्मी पे। वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ विकास की पे बात करते हैं, विकास की बात आपका मुद्दा है, तो एजेंडा जैसे चल रहा है। मुजफ्फरनगर में विकास ही तो नहीं हो रहा था। मुजफ्फरनगर में 5 साल आपकी सरकार, 2017 के बाद मुजफ्फरनगर ठीक हुआ है। आप आजकल भोकाल सीरीज पिक्चर चल रही है, उसमें देखिए आप किस तरीके से नवनीत सिकेरा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि नवनीत सिकेरा पिक्चर के आधार पर चुनाव जीतेंगे। देखिए, जातिगत आंकड़ों के आधार पर एक बताओ, कोरोना लेके चल रहे हैं, उसको मुझे बता दीजिए आपके दंगे अब कहाँ हैं, किस सरकार में दंगे नहीं हुए, कांग्रेस सरकार में कल्याण नहीं हुआ। कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस बात करेगी अधिकारों की, कोई वायदे की बात नहीं करेगी, ना झूठे सच्चे सपने दिखाएगी। कांग्रेस ने हमेशा जनता को अधिकार दिए, कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, और नौकरी पैसा और मजदूरी का अधिकार मनरेगा के रूप में दिया। देखिए, वादे दावे बहुत हैं, आप नेताओं से बात कर लीजिए, इसी की बात होगी अलीगढ़ से कम से कम। ABP News आपको रखे आगे।